Hello students, so you are most welcome in today's class. So students, in this video we are going to study the psychology previous year question paper which is of 2018. So students, aap sabka swagat hai hamari class mein. Aaj ki jo video hai students, iske andar hum psychology ke previous year question paper ko study karenge jo ki aapka 2018 ka hai. और साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के हमने कई वीडियोस बनाई है स्टूडेंट्स, सो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की स्टडी करनी है तो. एज यू नो दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. बिकॉज ऑफ दैट रीज़न वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर प्रिपेयरिंग दी साइकोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो. सो टिल नाउ वी हैव मेड सो मेनी वीडियोज़, सो आई होप दैट यू एन्जॉय दैट वीडियोज़, यू लर्न दैट वीडियोज़. If you have any doubt, so please ask your doubt in comment box. Students, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने पिछली वीडियो को देखा है. अगर नहीं देखा तो प्लीज़ आप उनको देखिए और उसे आप इंजॉय कीजिए, उससे समझिए. ठीक है, ये आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है. यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके साइकोलॉजी के लिए. सो आज का हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20. और इस क्वेश्चन नंबर 20 से पहले हमने जो है इसके बाकी क्वेश्चन जो किया है आपको एक प्रॉपर प्लेलिस्ट में मिलेगी, तो प्लेलिस्ट से आप सभी क्वेश्चंस को इजीली वहां पर देख सकते हैं. ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट, इसको हम बेसिकली 3 मार्क्स के ये क्वेश्चंस हैं. ठीक है, जो कि आपका पार्ट सी का क्वेश्चन है, राइट. सो पार्ट सी का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. हमने क्वेश्चन नंबर 20 का ए पार्ट किया था, दैट्स मीन ये अपर पार्ट हमने किया था. हमने एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कल्चर इन लिसनिंग क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में इसको सॉल्व किया था. सो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम इसके और पार्ट को करेंगे विच इज़ ऑफ स्टेट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन. तो यहाँ पर आपको पढ़ना है मानव संप्रेषण के घटकों का उल्लेख कीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से इसको समझना है. सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है स्टेट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, कि ह्यूमन कम्युनिकेशन का जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं. तो चलते हैं इसके सोल्यूशन पर स्टूडेंट. सो इसका सोल्यूशन हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझेंगे. तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों ही इसके सोल्यूशंस हैं, राइट. सो हमारा क्वेश्चन है स्टेट द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, दैट्स मीन कि ह्यूमन कम्युनिकेशन के कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं. तो यहाँ पर देखो आपके दो आंसर हैं, और में आप चाहे इसे लिख लें अपर वाले को या चाहे आप नीचे वाले को लिख ले, दोनों ही आंसर प्रॉपर हैं. बस मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, जो आपको इजी लगे आप उसे फॉलो कर सकते हो. सो यहाँ पर दे रखा है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन. तो इसके अंदर पहली बात, कौन से उसके घटक है, कौन से उसके कंपोनेंट्स हैं ह्यूमन कम्युनिकेशन के, और उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, हम समझते हैं इसको. सो इन्वॉल्व सोर्स, द सेंडर एंड रिसीवर. तो आपको पता है जब कम्युनिकेशन होता है तो उसमें दो लोग होते हैं, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है. सेंडर, जैसे मैं आप लोग को जो भी इन्फॉर्मेशन मैं कन्वे कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, बट फ़र्क ये है कि आप सभी मतलब इस टाइम फेस टू फेस हमारा कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन एक तरह से कम्युनिकेशन इसे कह सकते हैं. बिकॉज मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा हूँ, इनकोड कर रहा हूँ आप सभी को, और जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन है आप उसे डिकोड कर रहे हैं, घर में बैठे बैठे आप उसको समझ रहे हैं. अगर आपके कोई डाउट्स बनते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमसे आप पूछ सकते हैं, राइट. सो ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है. सो इसके अंदर आपने पहला पॉइंट देखा, इन्वॉल्व सोर्स. सोर्स में कौन कौन है, सेंडर एंड रिसीवर दो लोग हैं. उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है सेंडर एनकोड्स गेटिंग एन आइडिया, गिविंग सम मीनिंग, फ्रेमिंग मैसेज फॉर्म एंड सेंडिंग इट. तो सेंडिंग, जैसा कि मैंने बताया, सेंडर कौन होता है, मैं हूँ अभी सेंडर. जो मैं आपको कुछ आइडिया, मैं कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पर साइकोलॉजी क्लास 12th को लेके मैं समझा रहा हूँ, राइट. तो इसे क्या करोगे, आप घर में बैठे बैठे एज ए रिसीवर डिकोड्स करते हो, ट्रांसलेट करते हो, इसे अंडरस्टैंड करते हो, देन यू फॉलो इट. सो दिस इज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ. इसके नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, मैसेज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉइज. तो यहाँ पर जैसे मान लो कि मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, तो आप किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, मतलब हमारा आपका जो कम्युनिकेशन है वो कैसे इन्फ्लुएंस हो सकता है या कैसे प्रभावित हो सकता है. वो पहला आपको दिया है नॉइज, दूसरा दिया है लेंथ ऑफ मटेरियल, तीसरा दिया है आपका आर्टिफिकेट्स एंड चैनल्स एट्सेट्रा. अब इसको अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे मैं आपसे अगर कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, दैट्स मीन आपको साइकोलॉजी क्लास 12th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर, राइट, उसके आंसर्स को.
अगर आप जहाँ भी बैठ के मेरी वीडियोस के देख रहे हैं वहाँ अगर डिस्टर्बेंस है, वहाँ नॉइज़ है, तो डेफिनेटली मेरे मैसेज को, जो भी मैसेज मैं यहाँ से एनकोड कर रहा हूँ, उसे आप अच्छे से डिकोड नहीं कर पाएंगे, पहली बात, जिसे हम नॉइज़ के अंडर में रखते हैं। सेकेंड बात यह है लेंथ ऑफ मटेरियल। जो भी मेरा मटेरियल है, अगर मैं एक बहुत बड़ी वीडियो बना दूं, सो डेफिनेटली मेरा जो कम्युनिकेशन है आपके साथ में वो अच्छे से नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ लेंथी मटेरियल। तो इसी वजह से मेरी जो वीडियोस होंगी वो शॉर्ट रखी जाएगी बिकॉज ऑफ दैट रीज़न कि आप उसे अच्छे से समझ सको। आर्टिफिकेट्स कहने का मतलब ये है कि मैं अपने कम्युनिकेशन में अगर उसके अंदर कुछ जो है एग्जाम्पल्स या कुछ ऐसे इमेजेस का अगर मैं यूज़ करूँ, सो दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिकेट्स, राइट। जैसे कि हम जब वीडियो को स्टडी करते हैं या किसी मूवी की स्टडी कर रहे होते हैं, जब मूवी थोड़ी एंटरटेनिंग होती है, उसमें इमेजेस होते हैं, उसमें कुछ सीन्स होती हैं, तो डेफिनेटली मूवी की स्टोरी हमें जल्दी से याद हो जाती है। लेकिन वही अगर जस्ट अगर एक रिटन फॉर्म में अगर कोई कंटेंट होता है तो उसे हमें याद करने में टाइम लगता है। सो दिस इज़ वाई हेयर आर्टिफिकेट्स चैनल्स, मतलब किस माध्यम से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसके बाद इसको हम नेक्स्ट पॉइंट में लेते हैं, यहाँ पर इट इंक्लूड्स वर्बल एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज। तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन दो तरह से होता है, इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों तरह से है। आप किसी से बैठे बैठे नॉन वर्बली भी कम्युनिकेट कर सकते हो, राइट। सो इसके और में जैसा कि आपका सेम क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इसे हम इस तरह से भी फ्रेम करें तब भी चलेगा, राइट। जैसा कि हमारा क्वेश्चन था स्टेट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। सो आप वीडियो को बैक करके आप जो है इसके क्वेश्चन को दोबारा से देख सकते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं स्टूडेंट, अगर आप ये जो पूरा पीडीएफ फॉर्म आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560309722 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा और प्रीवियस 10 ईयर के वीडियोज़ प्रोवाइड करूँगा जो कि सोल्यूशन फॉर्म में, इसी तरह से वेल एक्सप्लेन फॉर्म में होगी। साथ ही साथ अगर आपको साइकोलॉजी के नोट्स चाहिए, सो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू साइकोलॉजी ऑल चैप्टर्स नोट्स एट वेरी मिनिमम कॉस्ट, राइट। इसकी कुछ कॉस्ट मैंने रखी है, कॉस्ट इसके वजह से रखी है बिकॉज टाइपिंग वर्क और बहुत सारे वर्क होते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मैंने कुछ कॉस्ट रखी है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं है जिससे आप जो आपके लिए अफोर्डेबल ना हो, ठीक है। तो आप अगर हमें कमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपको मैं वीडियोज़ प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस की वीडियोस जो कि सॉल्यूशंस फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में इसी प्रकार होंगी, और साथ ही साथ जो है आपको पूरे साइकोलॉजी का टिल चैप्टर 9 आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेम क्वेश्चन का एक बार एक तरह से और आंसर इसका देखते हैं, किस तरह से हम और लिख सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन जैसा कि था स्टेट द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, तो इसको हम लिखेंगे स्पीकिंग विद द यूज ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, कि हम यहाँ पर एक प्रॉपर यूज़ ऑफ लैंग्वेज करेंगे। जैसे कि मैं आपको अभी समझा रहा हूँ साइकोलॉजी, राइट, मैं अभी साइकोलॉजी समझा रहा हूँ और मैं कुछ ऐसे लैंग्वेज का यूज़ कर लूँ जो लैंग्वेज आपको नहीं आती, तो मैं अप्रोप्रिएट लैंग्वेज का डेफिनेटली यूज़ करूँगा इन विच यू आर कम्फर्टेबल एंड विच इज़ बीन एबल टू अंडरस्टैंड टू यू, राइट। तो ये पहली बात होगी। दूसरी बात, इफेक्टिव कम्युनिकेटर मस्ट नो हाउ टू यूज़ करेक्ट लैंग्वेज। तो जो इफेक्टिव कम्युनिकेटर होता है वो ये चीज़ जानता है किस तरह से हमें करेक्ट लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए अप्रोप्रिएटली विद इन द रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट एंड अवॉइड स्लैंग, राइट। जितने भी इफेक्टिव कम्युनिकेटर होते हैं, जैसे पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, जैसे अभी मोदी जी हो गए, जितने भी आपके कम्युनिकेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं, एक पर्टिकुलर रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी टॉपिक है, जैसे मान लो अभी साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, तो साइकोलॉजी की कॉन्टेक्स्ट में जो बातें करूँगा साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में ही होनी चाहिए, राइट। ये नहीं कि साइकोलॉजी पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको उर्दू लगा पढ़ाने या साइकोलॉजी पढ़ाते पढ़ाते मैं लगा आपको इंग्लिश पढ़ाने, राइट। सो दिस इज़ नॉट द राइट कॉन्टेक्स्ट। या साइकोलॉजी में मैं साइंस को ले आ सकता हूँ बिकॉज साइकोलॉजी एंड साइंस वेरी रिलेट टू ईच अदर, सो आई कैन ब्रिंग साइंस हेयर, लेकिन मैं किसी अदर कॉन्टेक्स्ट में नहीं जा सकता। अवॉइड स्लैंग, अवॉइड स्लैंग का मतलब कुछ हम जो है वहाँ पर मतलब आपको अटकने नहीं प्रोड्यूस करेंगे, दैट्स मीन कुछ ऐसी बातें नहीं आपको समझाएंगे जो आपको समझ में नहीं आए, एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर का मतलब ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है लिसनिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल। बहुत ही ट्रू बात है
कि जैसे कि मैं आपको यहाँ पर साइकोलॉजी समझा रहा हूँ, साइकोलॉजी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को समझा रहा हूँ, सो यहाँ पर जो वीडियो आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं, ठीक है, इसमें आपकी लिसनिंग इंपॉर्टेंट स्किल है। बिकॉज ऑफ लिसनिंग आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं या इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इट मे अपीयर पैसिव, लिसनिंग जो होता है पैसिव होता है। पैसिव मतलब एक पैशनेट फॉर्म में एक धैर्य से कह सकते हैं, पैसिव का मतलब धैर्य या क्षमता हम कह सकते हैं। इट मे अपीयर पैसिव, जो लिसनिंग होती है वो होती कैसी है, पैसिव होती है, एज इट इन्वॉल्व साइलेंस, बिकॉज इसके अंदर साइलेंस रखना होता है। ऐसे कि आप मेरी बात अगर सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आप पैसिव फॉर्म में हैं और आप मेरी सभी बातों को साइलेंटली सुन रहे हैं। दो इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस, साथ ही साथ जो लिसनिंग होती एक एक्टिव प्रोसेस भी होता है। वाई बिकॉज जो भी मेरी बात आप सुन रहे हैं एक्टिवली उसे आप थिंक कर रहे हैं, उसे सोच रहे हैं कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, कितना सही या कितना बेटर समझा पा रहा हूँ। इन्वॉल्विंग पेशेंस, इसके अंदर आपका पेशेंस होता है, एंड बींग नॉन जजमेंटल, ठीक है। लिसनिंग का मतलब एक चीज़ और होता है स्टूडेंट, जिसमें जजमेंटल नहीं होते हम, राइट, कि जो भी हम बातें सुन रहे हैं वहाँ पर जजमेंटल हो, हम उस चीज़ को लेके रिस्पॉन्ड करते हैं, जो भी हम बात सुनते हैं रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन जजमेंटल नहीं होते हैं। हैविंग द कैपेसिटी टू एनालाइज एंड रिस्पॉन्ड, जैसे कि मैं आपको जो समझा रहा हूँ आप यहाँ जजमेंटल ना होकर के आप मेरी बातों को या मेरे आंसर फ्रेमिंग को एनालाइज करो, समझो, उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करो। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आपका है, इट इंक्लूड्स वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लिसनिंग लाइक रिसेप्शन, अटेंशन, असाइनिंग मीनिंग एंड रोल एंड लिसनर सॉरी रोल एंड लिसनर्स रिस्पॉन्स टू मैसेज। तो यहाँ पर इन्होंने मतलब बताया है कि इट इंक्लूड्स वेरियस एस्पेक्ट, इसके कुछ और भी पहलू यहाँ पर लिए गए हैं लिसनिंग के अंदर, जिसके अंदर आपका रिसेप्शन रखा गया है। दैट्स मीन जिससे भी आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, जिसकी भी बातों को आप लिसन कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसको एज अ रिसेप्शन ले, उसका सम्मान करे, उसकी बातों को ध्यान से सुने, वहाँ पर अटेंशन दे, उसकी बातों को असाइन करे, उसके मीनिंग को निकाले, रोल अपना वहाँ पर देखे या सामने वाले पर्सन का रोल देखे, लिसनर्स रिस्पॉन्स टू मैसेज, ठीक है, जो भी लिसनर उस मतलब मैसेज का जिस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर आप लिसनर हैं तो आप किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, अगर आप स्पीकर हैं तो किस तरह से आपका लिसनर रिस्पॉन्स करता है। मार्क टू बी गिवन फॉर बोथ द प्रोसेस एंड कॉम्पोनेंट्स, तो यहाँ पर दोनों ही कॉम्पोनेंट्स और प्रोसेस के मार्क्स आपको मिलेंगे, तो आप चाहे इनमें से जो भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये रहा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 21 आपका पार्ट डी से आता है, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो पहले आप पार्ट डी का यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, इसका क्वेश्चन क्या है। सो इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार। ये रहा पार्ट डी का क्वेश्चन स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको यहाँ पर समझना है कि एक्सप्लेन कॉन्टेक्स्टुअल इंटेलिजेंस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो आपको यहाँ पर समझना है कॉन्टेक्स्टुअल इंटेलिजेंस, जैसा कि स्टर्नबर्ग की इंटेलिजेंस ट्रायरकी थ्योरी आपने पढ़ी है, उसके अंदर थ्री टाइप्स आपको बताया गया है इंटेलिजेंस का। तो यहाँ पर उन्हीं में से एक आपका ये सब थ्योरी है कॉन्टेक्स्टुअल इंटेलिजेंस, जिसको लेके हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। इसका हिंदी क्वेश्चन बनता है, सांदर्भिक बुद्धि के उदाहरणों की सहायता से समझाइए, ठीक है। तो चलते हैं इसके आंसर में और इसका आंसर देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं आपको इसके बेस पे ले जाना चाहूँगा, बिकॉज ये जो आपका कॉन्टेक्स्टुअल जो इंटेलिजेंस है ये स्टर्नबर्ग की थ्योरी है, तो इसे हम कह सकते हैं स्टर्नबर्ग सब थ्योरी, राइट, या थर्ड थ्योरी। बेसिकली जो कॉन्टेक्स्टुअल इंटेलिजेंस है ये थर्ड थ्योरी में आता है। तो यहाँ पर आप आंसर देख रहे हैं इसका आंसर इन्होंने लिखा है, जो कि पेज नंबर आपका 9 पे है और ये भी आपका 3 मार्क्स में है, ये आपका 4 मार्क्स में है स्टूडेंट, राइट। आई मिस दिस इज 4 मार्क्स क्वेश्चन बिकॉज हम पार्ट डी में पहुंच गए हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कॉन्टेक्स्टुअल इंटेलिजेंस। सो पेज नंबर 9 पे जाकर के आप रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की जो ट्रायरकी थ्योरी है उसको आप गो थ्रू करेंगे, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। वो तीनों ही थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर उसी का एक सब थ्योरी आपसे पूछा गया है। इट इज़ ए कॉम्पोनेंट ऑफ स्टर्नबर्ग ट्रायरकी थ्योरी, ये क्या है, स्टर्नबर्ग थ्योरी का एक कॉम्पोनेंट है, ऑल्सो नोन एज प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो कॉन्टेक्स्टुअल इंटेलिजेंस को हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, बिकॉज कॉन्टेक्स्टुअल जो इंटेलिजेंस होता है ये डील करता है अपनी मेंटल एक्टिविटी, ऐसी मेंटल एक्टिविटी जो इन्वॉल्व होती है अटेनिंग फिट टू कॉन्टेक्स्ट, मतलब जो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में क्या हो, फिट हो, राइट। जैसे मान लो आप कभी किसी पार्टी में गए तो वहाँ के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपने आप को फिट रखते हो, अगर आप किसी सेमिनार में गए तो वहाँ के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपने आप को फिट रखते हो,
कहने का मतलब आपकी जो इंटेलिजेंसी है अकॉर्डिंगली वेरी कर जाती है, आप उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में आप फिट हो जाते हो। इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू डील विद द एनवायरमेंटल डिमांड्स एनकाउंटर्ड ऑन अ डेली बेसिस। इसका मतलब ये होता है कि जिस भी एनवायरमेंटल डिमांड्स से आप इनकाउंटर होते हो पर डे, आप उसमें फिट बैठते हो, आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो डेली बेसिस पे। जैसे कि अगर आप अपने पीयर फ्रेंड्स या पीयर ग्रुप्स में हैं तो आप वहाँ के एनवायरमेंट में बिल्कुल एडजस्ट कर लेते हो, आप अगर उसमें एनकाउंटर होते हो, या सपोज आप बस से ट्रेवल कर रहे हो, आपके बगल वाली सीट पे कोई अंकल से बैठे हैं तो आप उनके एनवायरमेंट में आप अपने आप को डील कर लेते हो, दैट्स मीन एनकाउंटर वहाँ पर हो रहा है, पॉलिटिकल कोई बात हो रही है या किसी भी तरह से कोई बात हो रही है तो उस माहौल में, उस एनवायरमेंट में आप अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो, या किसी पार्टी, किसी फंक्शन, किसी सेमिनार, किसी डिबेट में अगर आप जाते हो तो वहाँ पर अपने आप को क्या करते हो, एडजस्ट करते हो। सो दैट इज नोन एज एनवायरमेंटल डिमांड एनकाउंटर ऑन ए डेली बेसिस। तो इसके अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट। दिस इज कॉल्ड द कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, इट मे बी कॉल्ड स्ट्रीट स्मार्टनेस और बिजनेस सेंस। तो इसे ही हम कह सकते हैं स्ट्रीट स्मार्टनेस और बिजनेस सेंस। जैसे कि जो सेल्समैन होते हैं, आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में सेल्समैन क्या करता है, एक ही ड्रेस को अलग अलग लोगों को अलग अलग रेट से सेल करने की कैपेबिलिटी उसके अंदर होती है, राइट। सो दिस कैपेबिलिटी फ्रॉम वेयर ही ब्रिंग हिम इन हिमसेल्फ बिकॉज ऑफ कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंस दैट्स प्रेजेंट इन हिम, बिकॉज ऑफ दैट रीजन ही ट्राई टू सेल आउट द सेम ड्रेस इन वेरिड रेंज, राइट। बिकॉज ऑफ मतलब उसके अंदर कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंस है बिकॉज ऑफ दैट रीजन कि जो सेल्समैन है एक ही ड्रेस को अलग अलग लोगों को अलग रेट से सेल करने की उसके अंदर इंटेलिजेंसी है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट, यहाँ पर पर्सन हाई ऑन दिस एस्पेक्ट इजली अडाप्ट टू देयर प्रेजेंट एनवायरमेंट और सेलेक्ट अ मोर फेवरेबल एनवायरमेंट देन एग्जिस्टिंग वन, ठीक है। जो लोग कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंस होते हैं वो डेफिनेटली जिस भी माहौल में जाते हैं उसको अडाप्ट कर लेते हैं, एकदम से अडाप्ट कर लेंगे। आपको लगेगा नहीं कि इस बंदे से या इस पर्सन से मैं फर्स्ट टाइम मीट कर रहा हूँ। ऐसे आपने देखा भी होगा कुछ आपके ऐसे फ्रेंड्स होते हैं या कुछ लोगों से आप ऐसे मिलते हैं कि वो अगर आपसे फर्स्ट टाइम ही मिल रहे हैं लेकिन आपको लगेगा नहीं यार मैं इसको काफ़ी समय से ऐसा लगता है मैं इसे जानता हूँ या ये मुझे जानता है, इस तरह से आपको इतना वो कंफर्टेबल फील कराएंगे, राइट। मॉडिफाई द एनवायरनमेंट टू फिट देयर नीड एंड हेंस टर्न आउट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। और वो क्या करते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं कॉन्टेक्सुअल या प्रैक्टिकल बेस्ड जो इंटेलिजेंस टाइप के लोग होते हैं वो उस पूरे माहौल को मॉडिफाई कर देते हैं, बदल देते हैं, वो अपने हिसाब से उस माहौल को सेट करते हैं और अल्टीमेट उनको सक्सेस मिलती है। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल जैसे प्रैक्टिकल बेसिस पे आप कह सकते हो, एक्चुअली जो है प्रैक्टिकल बेस पे जो इंटेलिजेंस होता है उसे हम कह सकते हैं क्या कहते हैं, कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंस, ठीक है स्टूडेंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये था, इसको हम थ्री प्रोसेस में बेसिकली लेते हैं। तो थ्री प्रोसेस ऑफ विच इज दैट अडाप्टेशन, शेपिंग एंड सिलेक्शन, ये तीन प्रोसेस से काम करता है कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर सबसे पहले हम अडाप्ट करते हैं, उसके बाद उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट को शेप करते हैं और उनमें से जो भी हमें जरूरी होता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं और इस तरह से उस एनवायरमेंट में हम फिट हो जाते हैं, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट। हमने आज दो ही क्वेश्चन किए हैं लेकिन मैं डेफिनेटली इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि आपने इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझा है, ठीक है। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 22, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसके वजह से मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करना चाहूँगा। और मैं आपसे एक बात कहूँगा स्टूडेंट कि मैं इसी प्रकार की वीडियो बनाता रहूँगा और जो है अगर आपको पूरा 10 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सलूशन चाहिए सो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560309722 पे आप बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, और आपको इसका PDF प्लस जो है सेम जो है आपका इसका वीडियो फॉर्मेट आपको मिलेगा, साथ ही साथ आपको साइकोलॉजी का नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा एंड टिल एग्ज़ाम एक असिस्टेंस, एक गाइडेंस, ताकि आपके साइकोलॉजी में मार्क्स बहुत अच्छे आएँ। और मेरा ये मानना है कि अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। आप लोग क्या करोगे एग्ज़ाम के टाइम में सपोर्टिंग मटेरियल से लेकर के एक्स्ट्रा बुक और सैम्पल पेपर जैसी चीज़ें परचेज करोगे, गाइड परचेज करोगे, तो मेरा मानना यह है कि आप इन सब चीज़ों को न परचेज करके अगर आप क्या करते हैं कि हमारे इस पैक को लेते हैं जिसमें हम आपकी हर तरह से हेल्प करने के लिए रेडी हैं तो डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा और आपके इस बार के एग्ज़ाम में साइकोलॉजी में अच्छे मार्क्स लाने में ये आपका सहयोग देगा। So I hope, student, this video is been helpful to you. If you find something
interesting from this video, so please tell us. And if you have any doubt, so please tell your doubt, what the doubt you have. ठीक है, किसी भी तरह से सजेशन अगर आपका है वो भी हमें बताएं. सो आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, जल्दी मिलेंगे. टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे.